भूषण ज्वेलर्स। मोदी के जुमलों में अब प्रदेश की जनता नहीं आएगी और प्रदेश में भाजपा का सफाया हो जाएगा। ये बात कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह पठानिया माल्टू ने एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश के करीब 1500 बलात्कार और हत्याएं हुई हैं। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री ने ओपीएस के मामले में कर्मचारियों से जो मजाक किया और जो आहत किया है, इसका बदला भी कर्मचारी चुनावों में भाजपा से लेंगे। करण सिंह पठानिया माल्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार प्रदेश में आए और यहाँ की जनता से झूठे वादे करके चले गए, मगर जनता अब भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी और भाजपा की गुट्टेबाजी का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और अन्य सभी कांग्रेसी नेता भी कांग्रेस को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भाजपा का सफाया होना तय है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? नहीं, मोदी देखिए सर, मोदी जब दिल्ली का चुनाव होगा तो मोदी साहब का इलेक्शन होगा। ये हिमाचल का इलेक्शन है, हिमाचल के नेताओं की कारगुजारी का इलेक्शन है। 5 साल इन्होंने इस सरकार ने लोगों के लिए क्या किया उसके ऊपर इलेक्शन है। आज जितना भी कर्मचारी वर्ग है बिल्कुल इनसे त्रस्त है, वो इनको उखाड़ने की कसम खाए हुआ बैठा है। जब दिल्ली की बारी आएगी तब बारी आएगी। अब जो चुनाव हो रहा है हिमाचल के लोकल मुद्दों पे, हिमाचल के जो जमीन पे इन्होंने क्या किया है, जो इनके कारगुजारी है। आज 1500 बलात्कार हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री जी आए नूपुर में, उन्होंने ओपीएस का आश्वासन दिया। अरे जब लोग कर्मचारी इनके पास जाते थे गिड़गिड़ाने के लिए कि हमें ओपीएस दीजिए, तब तो ये कहते थे कि आप नौकरी छोड़ के चुनाव इलेक्शन लड़ो, अब नेता बन जाओ। अब जब कांग्रेस ने बोल ही दिया है कि सबसे पहला जब 10 दिन के अंदर जो है गवर्नमेंट बनेगी और 10 दिन के अंदर जो है ओपीएस हम लागू करेंगे, तो अब इन्होंने देख लिया कि कर्मचारी सारे नाराज हैं। ये तो उनको वो एक लोली कब दे रहे हैं, अब तो इनके हाथ से तीर निकल चुका है। अब कर्मचारी कोई भी इनके कहने से नहीं मानेगा, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस से उनको बेइज्जत करके निकाला था। एक आखिरी प्रश्न है कि हिमाचल में कांग्रेस किस लीडर के नाम पर चुनाव लड़ रही है? हिमाचल में कांग्रेस जो है सोनिया गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, प्रियंका गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, और सारी लीडरशिप जो कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की है वो एकजुट है, कोई विरोध नहीं है। आप देखिए मुकेश गहलोत्री जी जोर लगा रहे हैं, महारानी प्रतिभा सिंह जी जोर लगा रहे हैं, सुक्खू जी जोर लगा रहे हैं, और रविंद्र राणा जी जोर लगा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जा रहे हैं, कोई ग्रुपिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सबका एक ही मकसद कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, कैसे ना कैसे सरकार बने ताकि लोगों को जो है इंसाफ मिल सके। इस चीज को तो मोदी जी अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। तो नेचुरली आप 10 बार हिमाचल में आए, आपने हिमाचल वालों को दिया ही कुछ नहीं है, हर बार भाषण दिए और चले गए, हर बार भाषण दिए चले गए। अब तो लोग भी कहते हैं कि मोदी साहब आते हैं झूठ बोलते हैं, तो आप नौजवानों को पूछो कि आप मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे, वो कहते नहीं ये झूठ बोलते हैं, आज तक कुछ तो दिया नहीं हिमाचल में, अगर कुछ देके जाते ताकि लोगों का विश्वास बनता। हर बार यही आस होती थी इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा, इस बार कोई आर्थिक पैकेज मिलेगा, इस बार कोई बड़ी चीज मिलेगी, पर कुछ नहीं, उल्टा 17,000 करोड़ का कर्जा मिल गया। धन्यवाद, थैंक यू। नूरपुर से सुभाष हिमांचली की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।